हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट स्टार 964। तो आज का जो हॉल ब्लॉग है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लाने वाली बहुत ही प्रिटी प्रिटी सुंदर सी ड्रेसेस, 7 ड्रेसेस होने वाली हैं। तो चलो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। इसका स्टार्टिंग प्राइस मैं बता देती हूँ, स्टार्टिंग प्राइस 337 होने वाला और मैक्सिमम प्राइस जो है वो 1499 यानी 1500 रुपीज तक का होने वाला है। और एक ही ड्रेस है जो 1499 का पड़ता है, बाकी सब 1100 तक का है। तो आप लोगों को बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर ड्रेसेस मिलने वाले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगी कि गाइस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाओ। और हाँ, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आप लोगों के लिए रोज वीडियो बना पाती हूँ। तो चलो देर क्या करना, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये होने वाला है स्टाइल कास्ट ब्लैक सेल्फ डिजाइन फिट एंड फ्लेयर ड्रेस, जो कि मैंने 1199 रुपीस का खरीदा था और ये मैंने स्मॉल साइज में परचेज किया, क्योंकि स्मॉल साइज से ही स्टार्टिंग है। और ये जो है पॉलिएस्टर का फैब्रिक है इसका, मतलब मुझे इसलिए दिया गया क्योंकि मैं एक्स्ट्रा स्मॉल का साइज का ही जनरली खरीदती हूँ, तो ये स्मॉल साइज में था बट ये मुझे सुंदर लग रहा था इसीलिए मैंने खरीदा। ये स्ट्रैप ड्रेस होने वाला है, देखो इसका। ओके, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये पीछे से थोड़ा बैकलेस है। देखो इसका स्लीव कितना प्यारा है गाइस, मतलब इस तरीके से है तो बहुत ही प्यारा लगेगा, बटरफ्लाई टाइप से। आगे के साइड से कुछ इस तरीके से है, अगर आप लोग को दिख रहा होगा स्ट्रैप्स तो दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। ये नेट टाइप का कपड़ा है, इसके नीचे अस्तर है, बहुत सॉफ्ट है, पीछे से बैकलेस है। ये देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे इस तरीके से इलास्टिक जो है, ये इलास्टिक का क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छा है। एडजस्टेबल स्ट्रेप्स है और या इसका हेयर भी सही है। तो चलो इसको वेयर करके आते हैं और उसके बाद देखती हूँ कि ये कैसा है। ऑल द कपड़े का क्वालिटी बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट है, ये छूने पे ही पता चलेगा वैसे तो, और देखने में भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। पर मुझे बस ये रहता है कि देखने में तो अच्छा लग रहा है, कि पहनने के बाद खराब तो नहीं लगेगा। तो पहन कर आती हूँ और उसके बाद देखती हूँ कि ये कैसा लगता है आफ्टर वेयर। तो चलो देखते हैं। सो इसका जो यहाँ पे देखो बटरफ्लाई जैसा जो यहाँ पे है ना, ये मुझे अच्छा लग रहा है। ऑल दो ये ड्रेस जैसा मैंने सोचा था ना, कि जितना ज़्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन था उतना ज़्यादा मुझे, मतलब उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं पहुँच रहा, इसलिए मैंने कहा था मैं पहन कर बताऊँगी, क्योंकि पसंद आ जाता है कई बार ड्रेसेस और पहनने के बाद उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो आगे के साइड से देख सकते हैं, डीप नेक है, ये इस तरीके से उठा रहेगा, वो चीज़ अच्छा लग रहा है, कि मतलब ऐसे ऐसे नहीं हुआ है ये। और इसका जो एडजस्टेबल स्ट्रिप्स है, मैंने सबसे लास्ट में करके रखा हुआ है, फिर भी ये मुझे थोड़ा लूज हो रहा है, तो अगर आपको पसंद है तो आपको टेलर के पास जाके इसको फिट करवाना पड़ेगा। स्मॉल साइज का मैंने परचेज किया, बट ये फिर भी इसका जो फिटिंग है वो बहुत सही है, मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज का नहीं था तो अच्छी ही बात है। और यहाँ पे भी आपको इलास्टिक ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पीछे के साइड से थोड़ा सा बैकलेस है, पीछे के साइड से आप देख सकते हो इस तरीके का लुक है। वैसा ड्रेस, ऐसा ड्रेस में नहीं पहन के बाहर जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली। तो पीछे के साइड से थोड़ा सा बैकलेस है, और ये इस टाइप का ड्रेसेस जो है आप पार्टी वगैरह में पहन के जा सकते हो, ऐसे चिल वगैरह अगर करने के लिए जा रहे हो, तो ये नॉर्मल ड्रेसेस में नहीं आते, तो इसको आपको नहीं पहन के जा सकते हो। तो आप लोग जरूर से बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये ड्रेस। इसका फ्लेयर बस इतना सा ही है, जो कि ठीक है एज अ ड्रेस, तो मुझे ये ठीक लगा 1199 रुपीज के हिसाब से, बट इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं लगा कि मैं इसको अपने पास रखूं, तो मैं इसको वापस कराऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पीछे के साइड से ऐसे कट है। पूरा रहे तो ठीक है, लेकिन आधा रहे वो नहीं अच्छा लगता मुझे। तो आप लोग जरूर से बताना, और सारे ही ड्रेसेस के लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे गाइस। और ये ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो चलो देखते हैं हम नेक्स्ट ड्रेस। सो गाइस, ये होने वाला है बेरी लश नेवी ब्लू डस्टी फ्लोरल प्रिंटेड ए लाइन मिनी ड्रेस, जो कि मैंने 436 रुपीस में खरीदा है। और ये इस तरीके का ड्रेस है ना, जो आप पहन के कहीं भी, मतलब ऐसे ही कहीं भी अगर जाना है, चिल कर रहे हो बाहर, ऐसे किसी फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है, तो आप पहन सकते हो नॉर्मली। और ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा कहीं पे स्क्रीन पे, और बहुत ही फ्लोरल प्रिंटेड इस टाइप का ड्रेस आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, 3 कलर्स में
सॉरी तीन कलर्स में ये अवेलेबल था और मैंने नेवी ब्लू कलर में इसको खरीदा और इसका जो फैब्रिक है वो पॉलिएस्टर होने वाला है, तो चलो देखते हैं ये कैसा है। इसको मैंने स्मॉल साइज में परचेज किया है, तो ये इस तरीके का दिखने वाला है देखो। और कपड़े का जो क्वालिटी ना बहुत ही सॉफ्ट है। लास्ट में आपको पीछे के साइड से आपको जिप दिया गया है जो कि लॉन्ग जिप होने वाला है। इससे आपको जो लॉन्ग जिप रहता है तो उससे फिगर जो है आपका ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे बाजू में इलास्टिक है जिसका क्वालिटी बहुत ज्यादा सही है। और यहाँ पे आपको डोरी दी हुई है, तो देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। मुझे तो इस टाइप के फ्लोरल ड्रेसेस ना बहुत अच्छे लगते हैं। एक स्लिट भी है यहाँ पे, साइड स्लिट तो नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल कह सकते हैं, इतना भी नॉर्मल नहीं है, मतलब है फैशन नॉर्मल बट एट द सेम टाइम फैंसी। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, कपड़े का क्वालिटी बहुत अच्छा है, स्टिचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो चलो इसको वेयर करके आते हैं, उसके बाद देखती हूँ कि ये पहनने के बाद कैसा लुक देता है। तो देख सकते हो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, स्वीट एंड एट द सेम टाइम स्टाइलिश भी है ये। इसका नेक जो है वो ऐसा है और यहाँ पे इसको टाई करने के लिए स्ट्रिंग दिया गया है ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली इसको टाई कर सको। और ये जो यहाँ पे इलास्टिक, इसका भी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है, टाइट नहीं है, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा इस टाइप का है ये, थोड़ा फुला फुला सो जाता है ना, पफी टाइप्स वैसा स्लीव्स है। स्लिट है यहाँ पे जो कि बहुत ज्यादा सही लग रहा है, थोड़ा सा स्टाइलिश लग रहा है। फ्लोरल प्रिंट इसका बहुत ही प्यारा है, कपड़ा का क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा कम्फी ड्रेस है 400 something rupees में। पीछे की तरफ से आपको इस तरीके से मिल जाएगा, मतलब यहाँ से आपका नेक रहेगा, ज्यादा डीप नेक भी नहीं है और मतलब कहीं भी इसको पहन के आप जा सकते हो। तो मुझे बहुत प्यारा लगा इस रेंज में ये, फिटिंग की बात हो, बाय लुक की बात हो, या फिर इसके कपड़े की क्वालिटी की, स्टिचिंग क्वालिटी की बात हो, सब चीजें A1 है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट ड्रेस। सो गाइज, ये मैंने खरीदा है स्ट्रीट 9 फ्लटर स्लीवलेस नेट फिट एंड फ्लेयर अबव नी ड्रेस है। बहुत ही प्यारा स्वीट सा ड्रेस है, दो कलर्स में अवेलेबल है, एक तो ये मैजेंटा पिंक और एक लाइट पिंक। तो मैंने मैजेंटा पिंक का ऑर्डर किया है और ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में इसको परचेज किया है मैंने। और इसका जो फैब्रिक है वो ऑर्गेन्जा, ये पे तो नेट फैब्रिक बता रहा है पर ये ऑर्गेन्जा जैसा लग रहा है मुझे। तो देखते हैं कैसा हमें प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। तो देख सकते हो आप इस टाइप का नेक है यहाँ पे, यहाँ पे इस तरीके से आपको ये कवर किया हुआ है, यहाँ पे इस टाइप का फ्लफी स्लीव्स बन मिल रहा है आप लोगों को जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। पीछे से डीप नेक है, मतलब आप कह सकते हो कि पीछे से बैकलेस है और यहाँ पे डोरी भी दी हुई है जो कि बहुत ज्यादा सही लग रहा है मुझे तो। और यहाँ पे ना साइड से जिप है, तो फिटिंग काफी ज्यादा सही आएगी। देखने में मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, कलर बहुत प्यारा लग रहा है, क्यूट सा ड्रेस, मतलब वो बार्बी स्टाइल वाली ड्रेस है ना वैसी लग रही है ये। और ये देख सकते हो इसका फ्लेयर ऐसा है, इतना है अंदर के, इसके अंदर जो अस्तर यूज किया गया है वो भी काफी सही है, सॉफ्ट है। तो चलो इसको वेयर करके आती हूँ और तब बताती हूँ कि पहनने के बाद कैसा फिट आता है, कैसा लुक आता है, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही बहुत ज्यादा सही लग रहा है। इसका स्टिचिंग क्वालिटी भी अच्छा है, फैब्रिक भी अच्छा है। चलो, आई एम बार्बी गर्ल इन द बार्बी वर्ल्ड, मतलब ये पहन के ना बिल्कुल बार्बी वाइब आ रहा है मुझे, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ये कलर और इसका फिट कितना ज्यादा प्यारा है, देखने में भी बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। और ये देखो, ये जो यहाँ पे फ्लफी जैसा इसका ये लग रहा है ना वो भी बहुत ज्यादा प्यारा है। कपड़े का क्वालिटी बहुत सही है, बहुत ज्यादा कम्फी और पार्टी वेयर लुक है ये। और आपको मतलब अगर आप चाहो बार्बी लुक पार्टी थीम हो तो आप इसको जरूर से पहन के जा सकते हो। तो बहुत ही क्यूट प्यारा सा ड्रेस है ये। पीछे से ये देख सकते हो, ये इस टाइप का नेक है, सॉरी नेक नहीं है, बैक है, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, बैक है। यहाँ मुझे सिर्फ ये इश्यू आ रही है, यहाँ पे ना ये पूरी अच्छे तरीके से फिट नहीं हो रहा, तो आपको टेलर से बोल के आप उसको थोड़ा सा ऊपर से इसको फिट कराना होगा ताकि ये अच्छे से पीठ पे बैठे। और आगे से ये डीप नहीं है, तो आप जो भी लोग हैं जो ज्यादा डीप नेक नहीं ड्रेस पहनते उनके लिए भी ये परफेक्ट है। और बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा, इतने कम पैसे में 600 समथिंग में आपको ये ड्रेस मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट ड्रेस। तो गाइस, आपको बहुत ही प्रिटी प्रिटी ड्रेसेस मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना।
तो ये होने वाला है स्ट्रीट नेट ऑफ शोल्डर नेट फिट एंड फ्लेयर अबव नी ड्रेस। ये मैंने मैजेंटा कलर का मंगवाया था और ये मैंने लाइट पिंक कलर का मंगाया है और इसका डिजाइन अलग है इससे वैसे तो, और ये भी दो कलर में अवेलेबल था, मैजेंटा कलर और लाइट पिंक कलर। वैसे तो मुझे मैजेंटा कलर ज्यादा पसंद है पर ये मैंने ऑलरेडी मैजेंटा कलर में मंगाया था इसलिए मैंने लाइट पिंक कलर में मंगवाया है इसको। और आप चाहो तो कोई भी कलर में इसको मंगवा सकते हो। और हाँ, एक और बात है, उसमें मेरा साइज भी नहीं था, सिर्फ एक्स्ट्रा लार्ज बन रहा था, तो मैं क्या ही दिखाती इसमें आपको। और ये है पॉलिएस्टर फैब्रिक का, ये मात्र 779 रुपीज का है और मैंने इसको एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में परचेज किया। तो चलो देखते हैं कैसा ड्रेस हमें मिला है, देखते हैं क्या है क्या नहीं। ये भी ऑर्गेन्जा टाइप का ही मुझे इस तरीके का तो लगता है वैसे तो। तो देख सकते हैं ये ऑफ शोल्डर ड्रेस होने वाला है और मैंने इसको स्मॉल साइज में मंगवाया था क्या, नहीं नहीं इसको मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में मंगवाया था और एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में ही मुझे मिला है। तो चलो इसको वेयर करके आती हूँ। हालांकि ये मुझे लग रहा है कि ये मुझे बहुत लूज होगा क्योंकि ये देखो, इधर देखो, ये अगर देखो तो ये बहुत चौड़ा लग रहा है भाई, इतनी चौड़ी मैं नहीं हूँ। और ये देखो, पता नहीं, हो सकता है यार पहले मैं इसको पहन के आती हूँ उसके बाद ही इसके बारे में बताऊंगी। अगर अच्छा लगा मुझ पे तभी इसके बारे में बताने का कोई मतलब है। वैसे आई डोंट नो क्या हुआ है यार, मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल मंगवाया था और एक्स्ट्रा स्मॉल साइज के हिसाब से ही मुझे बिल्कुल ही परफेक्ट आने वाला था, बट आप समझ सकते हो कि मैं क्यों इस तरीके से पकड़ी हुई हूँ, क्योंकि अगर मैं पकड़ूंगी तो ये गेट नहीं पकड़ूंगी तो ये गिर जाएगा। इतना लूज है ये यहाँ पे, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा लूज है, अगर मैं छोड़ दूँ तो समझ जाओ। तो इसीलिए मैं इसको, मुझे दूसरा पीस मंगाना पड़ेगा लगता है, उन्होंने, उनके पास शायद था नहीं और उन्होंने टैग चेंज करके दे दिया क्योंकि इसमें तो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज ही लिखा हुआ है। तो मैं इसको भेजूंगी, लेकिन आप देखो इसको मजाक से हटके कि यहाँ पे देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ये ऑफ शोल्डर, अगर ये सही से होता तो कितना ज्यादा प्यारा लगता। देखो बर्थडे के लिए ना, बर्थडे ड्रेस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और अगर आप किसी पार्टी में जाते हो अगर तो ये देखो इसका फ्लेयर कितना अच्छा है और ये जो ऐसे है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब होता है ना कि कई बार आप ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनते हो वो तो अच्छा लगता है ये अगर आप बॉडी कॉन पहन रहे हो, लेकिन ये जो इसमें दिया हुआ है ना ऐसे, वो बिल्कुल फ्लावर्स जैसा, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल बाबी वाइब जैसा लुक आ रहा है। पीछे की तरफ से आपको इस तरीके से दिखती वैसे ही रहेगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब कवर्ड, जो कवर ड्रेस भी पहनती हैं ज्यादा, वो भी इस तरीके का ड्रेस पहन सकते हैं, बहुत ही क्यूट और सैसी एट द सेम टाइम लगने वाला है अगर फिट हो जाए तो। मतलब अगर सही फिट का अगर आपको ड्रेस मिल जाए तो। वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए था यार, ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि ऐसा हो रहा है कि एक्स्ट्रा स्मॉल साइज मुझे बहुत ज्यादा लूज हो रहा है। चलो हम दूसरा देखते हैं। वैसे मैं बता देती हूँ एक चीज कि कपड़े का फिट तो अच्छा नहीं है लेकिन कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बाय लुक बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। बस इसका जो साइज है ना वो मुझे बहुत ज्यादा लूज हो रहा है, तो आप चाहो तो इसको मंगवा कर देख सकते हो क्योंकि हो सकता है कि ये मुझे गलत मिला है, आपको गलत प्रोडक्ट ना मिले। तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट ड्रेस। सो गाइस, ये इस हॉल ब्लॉक का सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस होने वाला है, 1449 रुपीज का मैंने इसको परचेज किया है। स्ट्रीट नाइन एम्बेलिश्ड डिटेल्ड शोल्डर स्ट्रैप्स ए लाइन ड्रेस है, ये पार्टी वेयर ड्रेस होने वाला है और मैंने इसको एक्स्ट्रा स्मॉल साइज का परचेज किया है। तो चलो देखते हैं, ये इसका जो प्रोडक्ट है ये है पॉलिएस्टर फैब्रिक का और मशीन वॉश है ये, तो चलो देखते हैं कैसा रिसीव हुआ है हमें। कपड़े की क्वालिटी सॉफ्ट है और जैसा कि मैंने कहा था कि ये पार्टी ड्रेस है, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा अच्छा वर्क किया हुआ है इसमें। बस मुझे एक चीज जो लगी कि जो स्ट्रैप्स है वो एडजस्टेबल स्ट्रैप्स नहीं है, अगर एडजस्टेबल होता तो ये ज्यादा अच्छा लगता। और यहाँ पीछे की तरफ से आपको जिप मिली हुई है, लॉन्ग जिप है और ये आगे के साइड से ये देख सकते हो आपको, जो कि मुझे बहुत सही लगा ये। मतलब एज अ पार्टी ड्रेस 1449 रुपीज में ए लाइन ड्रेस होने वाली है और फैब्रिक बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, स्टिचिंग क्वालिटी अच्छी है, जिप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। चलो उसको वेयर करके आती हूँ एंड उसके बाद पता चल जाएगा कि इसका बाय लुक कैसा है, बाय फिट कैसा है। इसको मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में परचेज किया था और ये मुझे
एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में ही अवेलेबल रिसीव हुआ है। तो ये है वो ड्रेस। ऑल्दो ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लगा 1449 रुपीज के हिसाब से, बट इसका जो स्ट्रैप्स जो है वो बहुत ज्यादा लूज है और एडजस्टेबल स्ट्रैप्स ना होने की वजह से ये बहुत थोड़ा नीचे टाइप होते जा रहा है, तो ये मुझे नहीं अच्छा लगा। और अगर आपको फिर भी लेना है ये, तो आपको इसको थोड़ा सा कट करके आप इसको खुद से भी स्टिच करके आप इसको कर सकते हो और ये अच्छा लगेगा काफी। थोड़ा सा यूनिक ड्रेस होने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप ही पहन के निकल रहे हो कि कहीं पार्टी पे या पब में जा रहे हो तो सेम ड्रेस पहने पे कोई लड़की आपको दिखेगी। तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, यूनिक सा ड्रेस लगा, प्यारा सा कलर है और इसका जो वर्क है वो मुझे बहुत प्यारा लगा। पीछे के साइड से आपको जिप मिल जाएगा, लॉन्ग जिप है और ए लाइन ड्रेस होने वाला है जो कि सॉफ्ट है, मतलब कम्फी ड्रेस है। बस ये जो थोड़ा लूज है ना स्ट्रैप्स, तो इसके वजह से उतना कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपको पसंद है तो आपको ये स्ट्रैप्स जो है वो आपको एडजस्ट करवाने पड़ेंगे टेलर के पास जाकर। तो या दैट्स इट फॉर दिस ड्रेस। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट ड्रेस। सो गाइस, ये होने वाला है स्ट्रीट 9 वुमेन क्लासी व्हाइट शोल्डर स्मॉक ड्रेस, जो कि मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा। ये चार कलर में अवेलेबल था बट मुझे व्हाइट कलर में ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने इसको व्हाइट कलर में खरीदा है। और ये कॉटन का कपड़ा है, जो कि सबसे अच्छा पॉइंट है कि मतलब ये कॉटन का फैब्रिक है। इसमें 65% कॉटन और 35% पॉलिएस्टर है मिक्स। तो बस इसमें एक ही टेंशन है कि आपको पहनने वक्त ना इसको आयरन करना होगा, बाकी ये पहनने के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है। बटन ड्रेस है ये, इसको मैंने ऑलरेडी ओपन करके देख लिया था। बटन ड्रेस है ये, ऊपर से नीचे तक पूरा आपको बटन रहेगा, कॉलर है और ये वाला जो ब्लैक वाला ना ये इसमें अटैच्ड है। कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेल्ट जो है यहाँ पे ये भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और यहाँ पे इस तरीके का जो स्लीव है ना जो काफी यूनिक है शर्ट्स में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे ज्यादा मुझे ये चीज अच्छी लगी कि यहाँ पे इलास्टिक है, फिर यहाँ पे ऐसे कपड़ा है, फिर इलास्टिक है और फिर यहाँ पे, बहुत ज्यादा प्यारा लगा मुझे। कपड़े का क्वालिटी बहुत अच्छा है, सी थ्रू नहीं है ये बिल्कुल भी और स्टिचिंग क्वालिटी भी बहुत ज्यादा सही है। तो चलो पहन के देखती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि बाय लुक कैसा लग रहा है ये। तो ये हुआ ना फट से हेडशॉट, पबजी ड्रेस की तरह ये मुझे लग रहा है। और मुझे जहां तक याद है ना, ये शीला की जवानी में इसी टाइप का ड्रेस पहनी थी कटरीना क्या और वट एवर। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा ड्रेस है जो कि आप किसी कहीं पार्टी वगैरह में पहन के जा सकते हो या फिर आप ऑफिस डे के हिसाब से भी पहन सकते हो, वो आपके ऊपर आप कैसे इसको स्टाइल करते हो। अगर आप पोनी वगैरह कर लो और ये आप बोलते हैं फॉर्मल इयररिंग्स पहन लो तो आपको बिल्कुल ये फॉर्मल लुक लगेगा बहुत ही प्यारा। और एक बूट्स पहन लो तो वो एंकल लेंथ वाला बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बस इसमें एक ही दिक्कत है कि इसको आयरन करना पड़ेगा। पूरा ओवर द ड्रेस जो है आपको बटन शर्ट ड्रेस मिलने वाला है, बहुत ही प्यारा सा जिसमें हल्का सा फ्लेयर है और पीछे के साइड से आपको प्लेन मिलेगा, बिल्कुल सी थ्रू नहीं है। स्लीव बहुत प्यारी सी है, मतलब कुछ यूनिक ड्रेस है ये। तो अभी तक जितने भी मैंने दिखाया ऑल्दो सारे ही यूनिक थे, प्यारे प्यारे थे। तो आप लोग जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, सारा ऑनेस्ट रिव्यू है गाइस। तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट ड्रेस। और चीज एक और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप ये शर्ट ड्रेस मंगाए ना तो एक साइज अप करके मंगाए, अगर आप अप करके नहीं मंगाते तो आपको वो इश्यू आएगा जो बटन के बीच में जो गैप होता है ना वो वाला सीन फेस करना पड़ सकता है, तो वो चीज अच्छा नहीं लगेगा। तो एक साइज अप करके मंगाना, बहुत ज्यादा प्यारा लुक आएगा और मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा यूनिक सा ड्रेस लगा। तो आपको कैसा लगा जरूर से बताना, परफेक्ट फिट और कपड़े का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, कॉटन है, मिक्स कॉटन है तो उतनी गर्मी भी नहीं लगेगी और बहुत ही प्यारा सा बहुत ही कम्फी ड्रेस है। तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट। तो गाइस ये होने वाला है टोक्यो टॉकीज ब्लैक वन शोल्डर रश्ड बॉडीकॉन मिनी ड्रेस। ये होने वाला है 337 रुपीज का, मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज का इसको परचेज किया था और ये मैंने ये तीन कलर में अवेलेबल है पर मैंने इसे ब्लैक कलर में परचेज किया है। तो चलो देखते हैं क्या हमें रिसीव हुआ है। ये पॉलिएस्टर जो फैब्रिक है वो पॉलिएस्टर है, तो गाइज ये वन शोल्डर ड्रेस है और जैसे कि मैंने बताया 337 का है, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज का मैंने परचेज किया था और एक्स्ट्रा स्मॉल साइज का ही मुझे ये रिसीव भी हुआ है। और यहाँ पे ये देखो ये ना रिप्ड क्लॉथ टाइप का है थोड़ा सा,
तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। यहाँ पे देखो इस तरीके का आपको चून टाइप का मिलेगा और यहाँ पे इस तरीके से जो फ्रिल है लास्ट में वो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। कपड़े की क्वालिटी की बात की जाए तो फैब्रिक बहुत अच्छा है और इसकी स्टिचिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये हमारा इस व्लॉग का लास्ट ड्रेस होने वाला है और सबसे सस्ता ड्रेस होने वाला है 337। तो इसको तो परचेज कर ही लेना अगर मुझे पहनने के बाद अच्छा लगा तो। तो चलो इसको वेयर करते हैं एंड देखते हैं बाय फिट बाय लुक कैसा दिखता है। तो देख सकते हो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, एक बॉडीकॉन ड्रेस हो जा रहा है, एट द सेम टाइम वन शोल्डर ड्रेस है जिसका फिटिंग बहुत ज्यादा अच्छा है और यहाँ पे ये जो चून दिया हुआ है ना वो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा अलग सा लग रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग दी गई है, मुझे लगा था ये थोड़ा सा खींचना होगा और ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा बट नहीं, इसको खींचने वीचने से कोई नहीं, यहाँ पे स्टिच किया हुआ है तो ये नहीं होगा टाइट, ये बस देखने के लिए है। और ये यहाँ पे जैसे चून दिया है वो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा कम्फी है, सॉफ्ट है कपड़े का क्वालिटी, बाय फिट इसका देख सकते हो बाय फिट बहुत सही है और बाय लुक भी ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। 337 रुपीज में आपको बहुत ही अच्छा प्राइस पे आपको एक बहुत ही प्यारा ड्रेस मिल रहा है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ड्रेस जरूर से बताना, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा 337 में। इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए इसको परचेज कर लो। आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगी फिर से कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं, तो आप इसको बिना सोचे समझे खरीद सकते हो, ऑनेस्ट रिव्यू है और इसके सारे ही ड्रेसेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोगों को कौन सा ड्रेस सबसे ज्यादा प्यारा लगा जरूर से मेंशन करना कमेंट सेक्शन, और अगर आप जानना चाहते हो ड्रेस के बारे में कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर सीधा मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, मैं जरूर से आपको बताऊंगी। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप लोग मेरे वीडियोस ऐसे ही एंजॉय कर पाओ और आपको स्क्रॉल ज्यादा ना करना पड़े। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए हर संडे आप लोगों के लिए वीडियोस बना पाती हूं। तो इसीलिए अपना प्यार और सपोर्ट जरूर से दिखाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और फर्दर कैटेगरी पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं जरूर से उस कैटेगरी पे वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड, लव यू।